नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो पुलिस भर्ती चल रही थी उसके बारे में। दोस्तों, उसमें जो कांस्टेबल GD का है उसके एग्ज़ाम की डेट दी गई है। एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है किस महीने में एग्ज़ाम होगा। और जो है जो SI की भर्ती थी, 400 जो पोस्टें थी उसका लगभग रद्दीकरण का फाइनल हो चुका है, क्योंकि जो कोर्ट केस चल रहा था उसमें कोर्ट जो याची थे वो केस जीत चुके हैं। अब हरियाणा स्टाफ सेक्शन उसको लगभग कैंसिल ही करेगा या रद्दी करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अरे, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जो भर्ती का आज का न्यूज़ आई है उसके बारे में। दोस्तों, इसमें क्या बताया गया, हरियाणा पुलिस भर्ती आवेदकों के हक में आया हाईकोर्ट का फैसला, बदलेंगे नियम। 2015 की रद्द भर्ती में आवेदन करने वालों को SI में 400 पदों पर मिलेगी उम्र में छूट। हरियाणा पुलिस में होने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती में उम्र की छूट मिल सकती है। यह छूट उन युवाओं को दी जाएगी जो 2015 की भर्ती के लिए आवेदन किया था। यह भर्ती रद्द होने से आवेदकों के पास भर्ती होने का मौका नहीं रहा। अब अधिकांश आवेदन ओवर एज हो चुके हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो फैसला आवेदकों के हक में आया। ऐसे में अब 400 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होने वाली भर्ती में उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से नियमों के बदलाव कर इस मंथन किया जा रहा है कितने साल की छूट दी जाए। नियमानुसार सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 27 की उम्र पहले से तय है। सूत्रों का कहना है कि दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति के बीच करीब 3.5 साल का अंतर है। ऐसे में उम्र में छूट भी इतनी ही दी जा सकती है। बता दें कि पुलिस महकमे में कुल 7110 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। उसमें 400 पुलिस पुरुष और 63 महिला सब इंस्पेक्टर पद शामिल हैं, जबकि बाकी कांस्टेबल पद पर भर्ती होनी है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अगले महीने के आखिरी तक रिटर्न परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये देखो, अगले महीने की आखिर तक, अक्टूबर के लास्ट तक ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद बताया, दोनों भर्तियों में 2.5 साल का अंतर, छूट कितनी है तय नहीं। और दूसरा है इसमें बदलाव, बहन बेटी नौकरी में तो भी मिलेगी 5 अंक। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अप्रैल में यह भर्ती निकाली गई, लेकिन बाद में सरकार की ओर से सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 10 अंकों की छूट में बहन बेटी की नौकरी होने पर भी 5 अंक की अधिसूचना जारी की गई, जबकि पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी, इसलिए अब इसमें दोबारा अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद 16,000 से ज़्यादा पद खाली। हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों के पद काफ़ी खाली है। यहाँ करीब 60 पद पुलिस कर्मचारियों के स्वीकृत है, जिसमें 16,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। पुलिस की ओर से 2015 में करीब 5,000 कांस्टेबलों की भर्ती की गई। अब 3.5 साल बाद दोबारा 7100 से ज़्यादा पदों की यह प्रक्रिया शुरू हो गई। यह पद भरने के बाद भी करीब 9,000 पद खाली रहेंगे। हालांकि DGP BS संधू का कहना है कि अब लगातार भर्तियां होगी जिसमें सभी खाली पद भरे जाएंगे। ग्रुप डी के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि। HSSC की ग्रुप डी की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि आज खत्म हो रही है। सोमवार को रात 11:59 के बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता, जबकि फीस 27 सितंबर तक जमा कराई जा सकती है। आयोग की ओर से 18 सितंबर के बाद आवेदन की तारीख बढ़ाई थी। प्रदेश में 18,218 कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। अधिसूचना जल्द। संधू, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में उम्र में छूट दी जाएगी, क्योंकि पिछली भर्ती रद्द हो गई। आयु में छूट देने की जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। दूसरा दिया, इस भर्ती में मिलेगा लाभ प्रसाद। बहन बेटी की नौकरी में होने पर पुलिस भर्ती में 5 अंक दिए जाएंगे। पहले यह तय नहीं हो पाया, अब इसका अमेंडमेंट कर दिया, इसलिए पुलिस भर्ती के आवेदकों को इसका फायदा मिलेगा। तीसरा है मंजूरी का इंतजार। भारती, बहन बेटी की नौकरी के होने में 5 अंक देने का होम डिपार्टमेंट ने फाइल भेजी थी, अभी तक नहीं आई। फाइल आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, ये भारत भूषण चेयरमैन कहते हैं। इसके बाद है, इन पदों पर होनी थी भर्ती।
एसआई पुरुष के 400 पद हैं, एसआई महिला के 63 है, कांस्टेबल पुरुष के 5000 पद है और कांस्टेबल महिला के 1147 पद है तथा आईआरबी के 500 पद है। तो दोस्तों ये है आज की न्यूज। दोस्तों अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले भी दोस्तों हमने इसके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि जो अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अक्टूबर की किसी भी संडे या मंडे को आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। लेकिन उस पर कमेंट आ रहे हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आज फिर से न्यूज़पेपर में दे दिया कि ये अक्टूबर के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम कोई न्यूज़ देते हैं तो वो किसी सूत्रों के हवाले से ही देते हैं, ना कि हम खुद न्यूज़ देते हैं। तो उस पर कुछ विश्वास करना भी सोचो और कुछ सोचा करो कि ये न्यूज़ आ रही है तो ये गलत नहीं दे रहे। हमें कोई भी खुशी नहीं होती कि हमारे भाइयों को गलत न्यूज़ दें और उनको वो गलत फहमी के शिकार हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट करना भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, हमारी यही शुभकामनाएँ।